हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेखाचित्र। रेखाचित्र किसे कहते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आए तो आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, हर एक दो साल के अंतर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन कई बार अंतर ना पूछ के सिर्फ रेखाचित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, इस तरीके का विस्तार पूर्वक वर्णन 3 से 4 नंबर में आ सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से लिखें, चलिए देखते हैं। रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है जिसका अर्थ है शब्द चित्र। जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि उसका आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाता है, उसे रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, रेखाचित्र गद्य के नए रूप में प्रमुख विधा है। जब हम किसी घटना का वर्णन या किसी व्यक्ति का वर्णन अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, एक चित्र प्रकट हो जाता है, उसे ही रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे। श्री रामरक्ष वेणीपुरी ने शब्द चित्र को रेखाचित्र कहा है। चित्रात्मकता इसकी पहली शर्त है। यह चित्र किसी नगर, स्थान, व्यक्ति या वस्तु का हो सकता है। ये रंग चित्र ना होकर शब्द चित्र हैं। प्रारंभ में रेखा चित्र का कोई रूप नहीं था। हिंदी में रेखा चित्र का शुभारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख रेखा चित्रकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख रेखा चित्रकार हैं, पहले हैं महादेवी वर्मा जी, जिनकी रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र एवं अतीत की रेखाएं। दूसरे हैं रामरक्ष वेणीपुरी जी, जिनकी रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। और तीसरे हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी, जिनकी रचना है रेखाचित्र। ठीक है, ये जो कवि और उनकी रचनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले रेखाचित्रकार हैं दूसरे हैं। हम यहाँ जो जिनकी रचनाएं सरल हैं, जिनके नाम आपको याद करने में सरल हैं, वो छांट कर लिख रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत रेखा चित्रकार हैं और उनकी रचनाएं भी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो इजी होगा याद करने में वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।